morning students, I am Saroj Kumar Nayak, lecturer in civil engineering from Marwar School of Engineering, Lakhimpur Subedbada. Today we have discussed about impact test of broad aggregate. So our aim is the determination of impact test of तो इंपैक्ट टेस्ट कौन ना जो रोड रे जो हमें एग्रीगेट यूज करूछो ता केते सुइटेबल ता हमें इंपैक्ट टेस्ट रु जान पाबा माने होची रेजिस्ट करिवार कैपेबिलिटी गोटे रोड एग्रीगेट केते रेजिस्ट कर परबा केते इंपैक्ट लोड रेजिस्ट कर परबा इंपैक्ट लोड माने होची सडन लोड गोटे रोड सरफेस ऊपर जितने व्हील जितने व्हीकल रो व्हील रोड सरफेस ऊपर चालू छे सेतले जो ब्रेक ब्रेक मार छे जितने गो व्हीकल सेतले कोन होछ ना डायरेक्ट सडन लोड गो पड़ो छे एग्रीगेट ऊपर तो से लोड को से केते बियर कर परबो केते रेजिस्ट कर परबो से हला इंपैक्ट इंपैक्ट लोड तो कह जाए डायरेक्ट सडन लोड पड़बो ता ऊपर आ सेटे आछ गो टफनेस टफनेस होछ गो एग्रीगेट रो प्रॉपर्टीज इंपैक्ट लोड को रेजिस्ट कर परथुवा प्रॉपर्टीज कारण रोड एग्रीगेट तो ताको हमें आज से एक्सपेरिमेंट करके देखिबा तो इंपैक्ट लोड कौन तो इंपैक्ट टेस्ट करिया पई कौन कौन एपरेटस दरकार छ फर्स्ट होच आईएससी आईएससी तीन प्रकार यूज कर 12.5 mm 10 mm और 2.36 mm नेक्स्ट इंपैक्ट टेस्ट अपैरेटस वेइंग बैलेंस टेम्पिंग रोड आयरन पैन और राइस प्लेट तो एबे देखिबा अपरेटस गुडा को टिके टिके जानिबा हमें कोडा कोन अपरेटस कार कोन काम को अपरेटस को केते बेले यूज होबो देखिबा चेक करिबा तो फर्स्ट में हमें देखिबा आईएससी मिनिमम स्टैंडर्ड सिप फर्स्ट ले जाबे 12.5 mm 10 mm ये पेन जो रिटेन हबो जो मटेरियल से पेंट है कि रहबे अगटा होचे 2.36 mm हला नेक्स्ट होचे हमरो एटा हला वेइंग बैलेंस जो थरे हमें वेट मेजरमेंट करिबा ये होचे टेम्पिंग रॉड एरो डायमीटर होचे 10 mm और लेंथ होचे 230 mm ओके नेक्स्ट जीवा में ये जो मेटल मेजर जोड़ा कि हमरो इंपैक्ट टेस्ट अपैरेटस रे थाए तार इंटरनल डायमीटर हो जे 7.5 सेंटीमीटर और डेप्थ हो जे 5 सेंटीमीटर ये हला स्टील कप स्टील कप स्टील कप रो इंटरनल डायमीटर हो जे 102 mm एंड डेप्थ 50 mm ओके नेक्स्ट जीवा हमरो जो इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन अछि इंपैक्ट टेस्टिंग अपैरेटस अछि सेटी हमरो जो हमर अछि ये हो जे हमर यार स्टैंडर्ड वेट हो 13.5 केजी टू 14 केजी ओके तबे हमें कौन करिबा हमें प्रोसीडर को जीवा केमति कौन करिबा तो फर्स्ट हमें कौन करिबा एग्रीगेट को जो एग्रीगेट हमें रोड रे यूज करिबा ताको हमें आनी कि फर्स्ट ओवन ड्राइंग मशीन रे रखिबा रखी सला पर ताको आनीबा कौन करिबा ना हमर जो सिप सेट हे कि अछि ऊपर रहइबो 12.5 mm ता तले 10 mm ताको हमें सिप करबा जोडा 12.5 mm सिप रे रिटर्न करि जीवो ताको रखि देबा आ 10 mm सिप रे जोडा रहि जीवो सेही मटेरियल को हमें कोन करबा ना इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन रे टेस्ट करबा हला तो एबे कोन करबा ना हमें ओवन ड्राई रे हम प्रथम रो रखि देतिले एग्रीगेट को ताको हमें ओवन दु देबा ताको हमें कोन करबा
आम कौन करवा सीफ करवा 12.5 mm सीफ्रे पर करवा पर कर सारापर जो 12.5 mm सीफ रु जोड़ा पास कर 10 mm सीफ्रे जो रिटर्न कर मेटेरियाल को आम एक्सपेरिमेंट कर 12.5 mm सीफ्रे आम पर कर सारापर सीफ कर तब देखिबा केते पास करछ आ केते रिटर्न करछ एटा 12.5 mm सिप रे रिटर्न करियोला आ रख देबा यार किछ काम नै तो 10 mm सिप रे एतिकि हमरो रिटर्न कोला तो याकु नै कि हम कोन करबा याकु एक्सपेरिमेंट करियो याकु तो अबे हमें एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करबा तो फास्ट कौन करवा ना हमें मेटल मेजर जो अच्छे मेटल मेजर को आगे हमें वेट करवा वेट कर सारापर तार वेट को हमें रीडिंग नवा वेट रो रीडिंग नवा रीडिंग नहीं सारापर हमें कौन करवा ना जो एग्रीगेट हमर जो 10 mm सीप रे रिटर्न करतला ताको हमें कौन करवा ना 25 ग्लोज रे तीनटा लेयर रे हमें ताको फिल अप करबा का द्वारा 25 ग्लोज दबा ना टेम्पिंग रड द्वारा तबे वेट करबा तो रेकॉर्डिंग तो वेट ऑफ वेट 9.34 ग्राम देन हमें कौन करवा इच लेयर 25 प्लस दबा एग्रीगेट को तीनटा लेयर फिल अप टैंपिंग करिया माने तार जो वॉइड सब अच्छी से बाहरिबो एग्रीगेट रहिबो ताको पुणी आमे वेट करिबा तो टोटल वेट है ना 1.92 ग्राम ओके देन ओनली एग्रीगेट इज इक्वल टू 1.92 - 9.34 इज इक्वल टू तो अब कौन करवा ना एग्रीगेट को ट्रांसफर करवा हम सिलिंड्रिकल कप को सिलिंड्रिकल कप रे प्लेस कर सारा पर ताको पुणे आउतरे हम 25 ग्लोज रे टेम्पिंग करबा ताको आमे नेकि जिबा कोट की ना इंपैक्ट टेस्ट अपरेटर्स पको आमे ताको नेकि जिबा तापर आमे ताको इंपैक्ट करबा तब को करबा या आमे प्लेस करबा इंपैक्ट टेस्ट रे अपरेटर्स रे ताको फिक्स करबा आगे तो अब हमें इंपैक्ट करवा तो हमारे जो हमार अच्छे हमार को मिनिमम 35-38 सेंटीमीटर ऊपर को नवा तापर हमें तक फ्लो छाड़ ठीक अच्छे तो मिनिमम 15 थर इंपैक्ट करने पड़ो
6 mm सिप्रे ताको सिप करिबा ठीक अछि तो अबे हम इंपैक्ट कर दिजे इंपैक्ट कर सला पर त कोन करिबा ना ताको 2.36 mm सिप्रे सिप करिबा तो जोटा पास कर जो मटेरियल ला ताको हम वेट करिबा वेट कर सला पर हम तारो पास परसेंटेज काढ़ी परिबा आ सेटा बताबो इंपैक्ट वैल्यू देखा तो पास कर तो या वेट करवा तो या जीरो सेट कर दीचे वेट कर कौन कर ऑब्जर्वेशन करवा परसेंटेज काढ़ पासिंग परसेंटेज के वेट कैलकुलेशन हो परसेंटेज काढ़ तो एम कौन करवा आम जो सैंपल पाइले जोड़ा आम पास कर 2.36 mm सिप्रे तो आम कौन करवा तार पासिंग परसेंटेज कैलकुलेशन करवा और ताकू नहीं आम इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन हम तो आम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करवा सीरियल नंबर पार्टिकुलर्स सैंपल सीरियल नंबर एक पार्टिकुलर्स कौन अच्छे ना टोटल वेट अच्छे टोटल वेट ड्राई टोटल वेट ऑफ पासिंग एंगल्स फ्रॉम 2.36 mm आईएससी तो इंपैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ पासिंग एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट तो टोटल वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट कितने थिला 358 ग्राम टोटल वेट ऑफ पासिंग एग्रीगेट थिला 66 ग्राम तो इंपैक्ट वैल्यू टा को हमें इनटू 100 करबा तो ये कौन करबा ना इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 358 इनटू 100 ये जहां आइबो सेला इंपैक्ट वैल्यू तो ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन कर सारापर इंपैक्ट वैल्यू आम जहाँ बाहर तो से ऑब्जर्वेशन पेपर बनजे तो जदि इंपैक्ट वैल्यू लेस देन 10% रुए से एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बोली आम जाना जो 10-20% रुए तो सी स्ट्रॉन्ग बोली जाना 20-30% जो इंपैक्ट वैल्यू बाहर रही
रोड सरफेस पे सटिस्फाई माने ताको हम रोड सरफेस रे यूज कर पर से जे और जदी ग्रेटर देन 35% बाजना ताको हम रोड सरफेस रे यूज कर पर में नहीं से हो वीक फॉर रोड सरफेस हला ठीक अछि आज पे आती कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करबा थैंक यू।